एक बच्चा क्लास में गया, दो सवाल लिखे हुए हैं, उसने ये सोचा कि शायद मेरा होमवर्क है, और उसने दोनों क्वेश्चन क्रैक कर दिए, बट वो दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिसको किसी ने सॉल्व नहीं किया था। इसका मैसेज सीधा है, इस मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी, कि जब आप किसी चीज को अप्रोच करते हो फ्रेश माइंड से, तो हो सकता है वो चीज असंभव रही हो दूसरों के लिए, बट तुम्हारे लिए संभव हो जाए। तो कभी भी एक डिफीटिस्ट माइंडसेट से कभी किसी चीज को अप्रोच मत करना। हो सकता है उस बच्चे को पहले बता दिया था कि ये क्वेश्चंस किसी ने सॉल्व नहीं किए, अगर वो इस माइंड से उसको अप्रोच करता कि दो क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले हैं जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाए, तो शायद उसका माइंडसेट कुछ और होता और हो सकता है उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। तो बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप किस माइंडसेट से अप्रोच कर रहे हो। एनवेलप में जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसको लिखना है, अपने टेबल पर सामने उसको पेस्ट कर देना है, सो दैट जब कभी तुम्हें वो एनवेलप दिखाई पड़े तो तुम इस बात को तुम्हें याद आए कि मेरा ये ड्रीम था, मेरे को ये पूरा करना है। उसकी शक्ति ही तुमसे मेहनत करना शुरू कर देगी। एक पॉजिटिविटी से अप्रोच करना।